ये शीट का नंबर 92 था, 92। चले फाइंड इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का सिंबल जेड, किसका? एलसीआर सर्किट का। क्या गिवन है? सी रिएक्टेंस गिवन है, रिएक्टेंस का मतलब एक्स सी एंड एक्स एल एंड आर, एक्स सी एक्स एल आर। इम्पीडेंस का फॉर्मूला पता है, आर एक्स एल एक्स सी आंसर। ठीक, तो सीरीज एलसीआर की थ्योरी लास्ट टाइम की थी, न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है जेड कैसे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, रेजिस्टर ऑफ, क्या गिवन है? आर। इंडक्टर ऑफ इतने हेनरी, क्या गिवन है? एल। कैपेसिटर ऑफ सी, कनेक्टेड टू वोल्टेज सोर्स ई आर एम एस फ्रीक्वेंसी गिवन। इंपीडेंस निकालो, इंपीडेंस का फॉर्मूला आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। आर तो मुझे पता है, एक्स एल का फॉर्मूला एल ओमेगा, एल इंटू ओमेगा से एक्स एल आ गया। एक्स सी का फॉर्मूला वन बाय सी ओमेगा, वन बाय सी ओमेगा से एक्स सी आ गया, पुट करके आंसर आ गया। ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? एक्स एल गिवन है तो ठीक है, निकालना पड़ेगा बाय एल ओमेगा, और ओमेगा की जगह 2.2 फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन है, रीडिंग बताओ क्या होगी वोल्ट मीटर की और एम मीटर की। कई लोगों को लगेगा ये सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी नहीं है। वोल्ट मीटर बिल्कुल ध्यान ना दो, ये तो एक मशीन है जो इनके दो पॉइंट्स के बीच में वी मेजर कर रही है। अदरवाइज एल सी आर तीनों के तीनों किसमें कनेक्टेड है? इन सीरीज कनेक्टेड है वोल्ट इस सप्लाई के साथ, ये सब सीरीज कनेक्शन है। वोल्ट मीटर सिर्फ एक मशीन है जो वोल्ट मेजर कर रही है अक्रॉस एल एंड सी, एल और सी में कितनी वोल्टेज है वो मेजर करना चाहता हूं मैं। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, इसमें वोल्टेज और एमीटर की रीडिंग निकालनी है। पहले जेड निकालते हैं, जेड एल सी आर का आता है हमें आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, जेड आ गया। एमीटर याद रखना कौन सी रीडिंग मेजर करता है? हमेशा आर एम एस, एमीटर हमेशा आर एम एस। तो आई आर एम एस इज ई आर एम एस बाई जेड। ई आर एम एस की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी? ये 90, जो कुछ ना गिवन तो 90 ई आर एम एस ही होता है, कुछ ना गिवन हो तो ई आर एम एस होता है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए बोलता है कि इट्स पीक वैल्यू, कुछ नहीं गिवन तो बस आर एम एस ही होता है। तो ए सी की 90 वोल्ट है, ये आर एम एस है। तो आर एम एस पता है, जेड निकाल लिया, आई आर एम एस आ गया। अब निकालना है वोल्ट मीटर क्या रीडिंग लेगा। वोल्ट मीटर वोल्टेज किसके अक्रॉस निकालेगा? एल और सी। एल और सी की वैल्यू देखो, हमने एल सी आर में किया था, नेट वोल्टेज क्या होती थी? अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। एल और सी में वी आर को तो लेना ही नहीं, तो नेट वोल्टेज सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगी? वी एल माइनस वी सी। वी एल को पुट कर लेते हैं आई आर एम एस इंटू एक्स एल, आई आर एम एस इंटू एक्स सी। तो आई आर एम एस इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी, तो ठीक किया ना, आई आर एम एस इंटू एक्सएल माइनस सी। इसके साथ लिख लो नोट ताकि याद रहेगा आपने कैसे किया इसे, ये लिख लेना, वो तो शॉर्टकट ही लगा गया। याद रख से हो तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से आया ये।
ठीक। वोल्टमीटर इंडक्टर और कैपेसिटर की वोल्टेज मेजर कर रहे हैं नेट। नेट वैसे एलसीआर की वोल्टेज ही होती है, हमने तो इंडक्टर कैपेसिटर की लेनी है, वीआर जीरो कर दिया, सॉल्व करके ये आ गया ओम लॉ। ठीक। नेक्स्ट 0.3 हेनरी इंडक्टर, क्या गिवन है एल। कैपेसिटर एंड रेजिस्टर एलसीआर गिवन है सीरीज में, ईआरएमएस गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, इंपीडेंस निकालो और साथ में करंट निकालो। तो इसके अंदर ठीक है, इंपीडेंस का फॉर्मूला तो डायरेक्ट आ ही जाएगा इसमें। इंपीडेंस के लिए आपको एक्स एल और एक्स सी पहले निकालना पड़ेगा। पहले आप एक्स एल निकालो एल ओमेगा, एक्स सी निकालो 1/c ओमेगा। इसको छोड़ो, सीधा यही देखो आर स्क्वायर, एक्स एल आ गया, एक्स सी आ गया, आर पता है आंसर आ गया। आर एम एस करंट क्या होगा, आर एम एस वोल्टेज बाय जेड। आर एम एस वोल्टेज गिवन है 120, जेड हमने निकाल लिया आंसर। ठीक। नेक्स्ट है, एक रेजिस्टर गिवन है आर, कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस इतने ओम्स, ये क्या गिवन है एक्स सी। प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एक्स एल, आर ज्वाइंट इन सीरीज, ये ई आर एम एस है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, करंट निकालो। अब आपको हर हालत में जेड तो पहले निकालना ही पड़ेगा, जेड निकालो, करंट क्या होगा कुछ नहीं गिवन, तो ई करंट आर एम एस, आर एम एस करंट इज ई इफेक्टिव या आर एम एस वैल्यू ऑफ ई एम एफ बाई जेड, ये पता है, ये पता है आंसर। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं फेज डिफरेंस निकालो, क्योंकि ये सर्किट है कौन सा एल सी आर, एल सी आर में टेन फाइव का फॉर्मूला क्या होता है एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर। एक्स एल पता है, एक्स सी पता है, आर पता है टेन फाइव, फाइव टेन इनवर्स में छोड़ दो। ठीक है यहाँ तक, तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है। सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक टर्म यूज कर रहा है वो रेजोनेंस। इसके बाद के क्वेश्चन रेजोनेंस के ऊपर बेस्ड है, तो इस असाइनमेंट को यहीं क्लोज करते हैं, क्योंकि आगे हमने थ्योरी नहीं की रेजोनेंस की, अब हम रेजोनेंस करने जा रहे हैं। तो इसके लिए बुकलेट पे आना पड़ेगा, बुकलेट